1700 साल की हिस्ट्री में ये जो मैच हुआ है ये टॉप 10 मैचों में आएगा, क्योंकि सिर्फ दो दिन के अंदर पूरा मैच खत्म कर दिया। गजब की स्ट्रेटेजी थी रोहित शर्मा की, मतलब कमाल का दिमाग और कमाल की तेजी। ऐसे मतलब इंडिया ने जैसा वो अब समय आक्रामक रुख दिखाया है, सारी की सारी टीमें डरी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पसीने छूटे हुए हैं। अभी अगली सीरीज हम लोग ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड से खेलने जा रहे हैं, सबके सब डरी हुई बैठी हैं। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारी टीम का, वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन टीम। बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। कल की तो बहुत ही अच्छी बैटिंग रही इंडिया की, 147 वर्षों में ऐसा जो कोई भी टीम नहीं कर पाई थी उसको इंडिया ने किया। सबसे तेज 50, सबसे तेज 100, सबसे तेज 150, सबसे तेज 200, सबसे तेज 250, इस रिकॉर्ड को जो है भारत ने कैम किया है। बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोगों को मैच? बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। जिस तरह से आज इंडिया ने पहले सेशन में बांग्लादेश को ऑल आउट किया वो काफी अच्छा लगा देख के, खासकर की जडेजा की बॉलिंग आए वो और काफी ज्यादा विकेट लिया उन्होंने, और फिर यशस्वी की बैटिंग जिसने जल्दी जल्दी मैच खत्म किया, काफी अच्छा खेली टीम। सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया। इतने सालों का जो इंतजार था, जो कानपुर में मैच नहीं हो रहे थे और जो लोगों का डिमांड था और जो लोगों को देखने का एक था नजरिया कि भारत वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच था उसको देख के लोगों में जो रोमांच जो उत्साह भरा था, जबकि पानी के बीच काफी लोग मैच देखने नहीं आ पाए, काफी लोग बड़ी दूर दूर से आए लेकिन उनके पास से टिकट बेकार हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज ये जो 1 अक्टूबर को मैच हमारे कानपुर में हुआ ग्रीन पार्क स्टेडियम में, वो देख के इतना रोमांच इतना उत्साह है लोगों में। और इस बात पे सिर्फ एक बात है, भारत माता की। कैसा लगा आप लोगों को मैच किया है, किस तरह का लगा मैच? बहुत अच्छा हुआ अपने हिंदुस्तान का, ये जो बांग्लादेश के साथ हुआ है इतना रोमांचक मैच हुआ है कि टेस्ट की जगह T20 का मजा हम लोगों ने लिया है भारत में।